आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी आसान तरीके से, बड़े आसानी से मैनेज किया जाता है, और कैसे हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जावा डाउनलोड तो करके रखना पड़ेगा। वैसे तो हम नॉर्मली कमांड से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये मैं देखो 11 वाला कैसे इंस्टॉल करते हैं। 11 मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें है ना आपको यूज़र पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ओपन JDK डाल रहा हूँ तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी चीज़ ना, ये मैं tar.gz ले रहा हूँ, क्योंकि tar.gz से कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब एक zip फाइल से कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका होता है। आप ओरेकल से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओरेकल से कर सकते हैं, आपको बस अपना साइन अप करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ना tar.gz जो है वो ये मैंने डाउनलोड किया। wget कमांड अगर आती होगी तो अच्छा है, नहीं आती तो सीख लेना भाई, नहीं तो पूछ लेना भाई। तो wget और ये करके मैंने चलाया तो इसने डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं आपको बता दूँ कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ। इसको पहले डाउनलोड करूँगा, फिर इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, फिर इसे कन्फिगर करूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। ऐसी चीज़ बहुत कम ही लोग बताते हैं जो आसान तरीके से कॉन्फ़िगर कर सको, जब मन करे स्विच कर लो किसी भी और जावा में, तो और आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग, बड़े बड़े लोग घूम जाते हैं कि भैया एक साथ दो दो तीन तीन जावा कैसे मैनेज करें हमें बिना रिमूव करे, और ये तो भैया पल्ले ही नहीं पड़ता। और जावा रिमूव करते हैं तो डीपली जाना पड़ता है, लोकेशन भी नहीं पता होती है। अब हम खुद जीजे डाउनलोड करके रखेंगे तो हमें पता होगा ना हम कहाँ पे रख रहे हैं, तो अपना इजीली रिमूव भी कर सकेंगे। अब देखो मैंने ओपन JDK के लिए गया है, तो आप ओरेकल भी किस साइट से 8.11.17 कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको यूज़र पासवर्ड डालना पड़ेगा ओरेकल वाला जो आपने साइन अप करके बनाया होगा, डाउनलोड हो जाएगा ओरेकल की साइट से, है ना। अब ये देखिए tar की जो कमांड आती है ना, समझ में आया मैंने क्या चलाया था, tar, और उसको एक्सट्रैक्ट किया था यूएसआर लोकल में, ठीक है। यूएसआर लोकल में मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया था ना, मैं ज़्यादातर वहीं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं और भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉन्फ़िगर करने के ना ये सिंपल कमांड होती है, अपडेट अल्टरनेटिव इंस्टॉल यूएसआर विन जावा जो होता है, नॉर्मली एक लोकेशन रहती है और जावा हम कर रहे हैं, और यूएसआर लोकल में मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हाइपन सी लगाया था और डायरेक्ट यहीं पे एक्सट्रैक्ट भी कर दिया, कॉपी भी हो गया मतलब। अब देखो यहाँ पे आप 100 भी दे सकते हो, 101 भी दे सकते हो, 102 भी दे सकते हो, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा भाई। और ये सी लगा देता हूँ यहाँ पे, जावा कन्फिगर किया। अब इसमें सिंपल सी चेंज है कि मैं सी लगा दूँगा, जावा के बाद जावा कंपाइलर भी चाहिए होता है लोगों को, तो जावा कंपाइलर भी लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सेम टू सेम ना। देखो टैप करेंगे ना तो जावा सी भी है वहाँ पे, ये चेक करने के लिए कि भैया जो मैंने डायरेक्टरी डाउनलोड की थी उसमें जावा है कि नहीं है। देखो बिन में जावा भी है, जावा सी भी है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें कन्फिगर हो गई। ये क्या करता है, एक लिंक क्रिएट कर देता है कि आपका जावा कन्फिगर हो गया है, और अब ये वहाँ से अपने आप ही रीड कर लेगा। अब देखो ये कमांड होती है अपडेट हाइपन अल्टरनेटिव हाइपन हाइपन कन्फिग जावा, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे कितने जावा चल रहे हैं और करंटली कौन सा है, जिसमें प्लस लगा है वो जावा अभी यूज़ हो रहा है। अगर मुझे सेकंड चाहिए तो मैंने सेकंड पे क्लिक कर दिया, अब सेकंड सेलेक्ट हो गया, और जावा हाइपन वर्जन से चेक भी कर लिया। देखो 11 पे स्विच हो गया, पहले 8 चल रहा था 1.8, अब मैंने 2 स्विच कर लिया, 2 पे बटन दबा के, मतलब जिसके आगे जो नंबर पड़ा है वो नंबर आप रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपका वो जावा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, BSRC में कॉन्फ़िगर करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मैक में ZSRC में आजकल कॉन्फ़िगर किया जा रहा है, आपकी श्रद्धा है, आप कहीं पर भी कॉन्फ़िगर करिए, मगर ये प्रोफाइल या BSRC ZRC के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले ही पाथ कॉन्फ़िगर कर रखा था, तो इस तरह से कुछ दिखा देता हूँ। एक्सपोर्ट जावा होम करके ये रहती है लाइन, अब मैंने USR लोकल में रखा था तो मैंने उस लोकेशन में रख दिया। अब सोर्स और BSRC किया, अब इको करूँगा तो डॉलर जावा, अगर टैप बटन दबाओ ना ऑटो कंप्लीट करेगा अगर जावा कन्फिगर होगा तो। देखो लोकेशन दे दिया कि यही लोकेशन है आपकी जावा के होम पाथ की, ठीक है ना, और हमेशा होम पाथ की देना, बिन तक ही मत देना, बिन का तो हमने नीचे मेंशन कर रखा है उसी BSRC में। और ये आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, खासकर स्टैक ओवरफ्लो वाले में, कि जावा कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, मतलब जावा का पाथ। तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, है ना, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जरा सुनो इनकी बात। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
आप क्या सोच रहे हो, अब तो सब्सक्राइब कर दो।